नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये है मेरा आलामंदा का पौधा और आज मेरे आलामंदा में काफ़ी प्यारे प्यारे से फूल खिले थे फ्रेंड। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जो फूल का कलर है ये लाइट येलो में है और थोड़ा पिंक है, पिंक और एकदम लाइट येलो में काफ़ी प्यारा सा फूल का कलर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हमारा आलामंदा का पौधा है इसमें काफ़ी सारा कली भी आ रखी है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए एक कली है, इसमें दो कली है और एक यहाँ पे फूल भी खिला है। तो ये मेरे गार्डन में नया है आलामंदा का पौधा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही इसको लगाए हैं और ये इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए, तो ये एक दिन पहले का है इसलिए थोड़ा सा मुरझा गया है। और एक ये है देखिए, कितना बड़ा सा फ्लावरिंग हुआ है, इसमें भी दो कली है फ्रेंड। तो ये जो आलामंदा का पौधा होता है ना, काफ़ी बड़ा सा हो जाता है इस तरह से, देखिए। तो आप चाहे तो अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। फूल का जो कलर है ना, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर देखिए एक कली है, ठीक, यहाँ पे भी कली है। कली का साइज देखिए कितना बड़ा है। और ये मेरा आलामंदा का दूसरा कलर है फ्रेंड, ये देखिए, ये भी कलर काफ़ी प्यारा है। और इसका देखिए कली, इसमें भी दो ठो आया है और फूल का साइज आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है, ये देखिए। और ये दूसरा है लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुआ है, तो ये भी ना अलग कलर है, खिलेगा तो शेयर करूँगी, अभी नहीं पता चल रहा है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा इसका भी कलर है। और ये मेरे छोटे वाले जो हिबिस्कस है उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे से फूल खिले हैं आज। ये जो फूल है ना, इतना प्यारा लगता है ना, तो आप इसे गार्डन में एक बार लगाते हैं ना, पूरा एकदम जो पौधा होता है ना फूल से एकदम भर जाता है। और बहुत प्यारा से इसका कलर भी होता है और इसमें लगभग रोज़ दो या तीन इसमें फूल खिल ही जाता है, तो आज चार खिला है। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर है। तो मेरे यहाँ लगभग जो गुड़हल का पौधा है वो हम लोग नीचे ही लगाए हैं। इधर देखिए, पौधा काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर है। और ये है मेरे जो नीम वाले हिबिस्कस है, उसमें भी देखिए एक कली आया है, इसका भी कलर बहुत प्यारा है फ्रेंड। ये एकदम लाइट येलो और पिंक में, रेड में है। ये जब खिलता है ना बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो पहले एक ठो खिला था लेकिन यहाँ बारिश में ख़राब हो गया है, फिर एक ठो अभी खिलने वाला है। हमारा मधुमालती का पौधा है, तो हमारा जो मधुमालती का पौधा है उसमें भी देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा सा फूल खिला है और इधर कली भी है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Thank you.